नौगांव शहर में रामनवमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवरात्र के प्रथम दिवस से पूरे नगर में भगवा रंग में ऐसे सजाया गया जैसे यह अयोध्या धाम बन गया हो और सभी राम भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया। रामनवमी में सुबह से ही सबसे पहले मातेश्वरी चौक पर राम भगवान की विधि विधान से जन्म हुआ। इसके बाद आरती पूजन की गई, तत्पश्चात रामनवमी की शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मातेश्वरी चौक, टीवी अस्पताल चौराहे, लेवर चौक, रामा कंपनी चौराहा, बस स्टैंड, गणेश मंदिर स्थान, नगर पालिका चौराहा से होती हुई मातेश्वरी चौक पर समापन हुई। नगर में जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा में चल रहे भगवान श्री राम की झांकी का तिलक किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके साथ ही सिलसिलाती धूप ने भी राम भक्तों का उत्साह कम नहीं होने दिया, जिसमें शोभा यात्रा की अगुवाई मातृ शक्ति कर रही थी। तो वहीं शोभा यात्रा में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर माताएं बहने और वृद्ध भी शामिल रहे। शोभा यात्रा का लोगों ने कहीं फूल बरसा कर तो कहीं शीतल सर्वत के माध्यम से स्वागत भी किया, कहीं खाद्य पदार्थ। दूसरी ओर लोगों ने अपने अपने दरवाजे के सामने सड़क पर पानी डालकर रखा हुआ था, जिससे नंगे पैर चल रहे राम भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। वहीं पूरी शोभा यात्रा में सभी राम भक्त श्री राम प्रभु के भजनों पर नाचते हुए नजर आए और पूरी शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं इस मौके पर थाना प्रभारी सतीश सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। संवाददाता जितेंद्र रावत के साथ अनमोल अग्रवाल की रिपोर्ट।